नमः संस्कृताय मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्यक्रम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। देखिए, जैसा कि आपको बता दें बच्चों, पहले वीडियो में आपने जहां तक पढ़ा था उसके आगे वाले पैराग्राफ को आप देखिए। ठीक, राष्ट्रगान आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, राष्ट्रगान यानी राष्ट्रगान। ठीक, इसके पहले आपने मयूर पढ़ा था, उसके बाद बाघ को बताया गया था, फिर कमल का था। अब आगे आपको देखिए राष्ट्रगान के बारे में बताया जा रहा है। चलिए देखिए, सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीय एकम गानम भवति तदेव राष्ट्रगान संज्ञा अवध्यते प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति महत्स्व अवसरेषु तद्गानम गीयते। सर्वेषां यानी सभी स्वतंत्र देशानां यानी स्वतंत्र देशों का, किस देश का, स्वतंत्र देशों का, स्वकीयम स्व माने अपना, एकीयम यानी एक, एकीयम माने एक, गानम, गानम माने क्या होता है, गान अर्थात गाना, भवति, भवति में कौन सी संधि बनेगी बच्चों, बोधं अति, तो क्या हो जाएगा, भवति, ओ का अ हो जाएगा, ये बनेगा अचो अवयवा, यचो अवयवा। आप पढ़े थे ना कि जो अयादि स्वर संधि की आपको, अयादि स्वर संधि आपको बताई गई थी उसका सूत्र था यचो अवयवा, तो ये वही संधि है, ओ का अ हुआ है यानी होता है। और भवति जो है ये किस धातु का है, भो धातु का है, किस धातु का, भो धातु का। इसका रूप कैसे चलता है, किस लकार का, ये लट्लकार का, तो भवति भवता, भवंति भवसी भवता, भवत भवा में भवाव भवाम, ऐसे चलता है। तो देखिए बच्चों, सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है, क्या होता है, गान होता है। तदैव तदाधन यो, तदाधन यो कौन सी संधि बन जाएगी, ये वृद्ध संधि बनेगी, आ के बाद ए आए तो आय हो जाता है, यानी एक कदम वो आगे की ओर बढ़ जाता है तो वृद्धि हो जाती है, वृद्धि माने यही होता है बढ़ना। ठीक है, तो तदैव राष्ट्रगान यानी वही जो है राष्ट्रगान संज्ञा मतलब नाम से अवध्यते मतलब जाना जाता है, यानी वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। यानी सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है और वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। आ रही बात समझ ना बच्चों, तो प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्र गानस्य सम्मानम करोति, प्रत्येकम राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक कौन सी संधि बनेगी, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, ई का या हो गया। और जो है देखे तो राष्ट्रम यानी राष्ट्र, राष्ट्र माने राष्ट्र अर्थात देश, स्वराष्ट्रस्य यानी अपने राष्ट्र, गानस्य यानी गान का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है यानी गान का, सम्मानम करोति यानी सम्मान करता है, यानी प्रत्येक देश अपने राष्ट्रगान का क्या करता है, सम्मान करता है। आप लोग भी करते हैं ना, तो हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्स्व अवसरेषु यानी महान अवसरों पर, किस अवसर पर, महान अवसरों पर अर्थात बड़े अवसरों पर, तद गानम उस गान को गीयते, गीयते ये आत्मनेपद का है, किस पद का है, आत्मनेपद का है, तो लटलकार का रूप है यानी गाया जाता है। यानी सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है और वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है और बड़े अवसरों पर उसे गाया जाता है, यानी कोई बड़ा अवसर आ जाता है तो उसे लोग क्या करते हैं, गाते हैं। तो प्रत्येक में देखिए बच्चों कौन सा समास बन जाता है, अव्ययीभाव समास, हमने आपको बताया था, जहाँ पहला पद अव्यय हो। ठीक, तो जितने उपसर्ग होते हैं यानी जो भी उपसर्ग होते हैं, प्र, प्रा, सम, अप, नि, अनु, अस आदि, तो ये सारे उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और ये जहाँ लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह शब्द अव्यय बन जाता है। तो ये अव्यय भाव समास है। यदि कश्चिद अन्य राष्ट्र अध्यक्ष अस्माकं देशम आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगान अस्मद्राष्ट्रगानम च बाधकः बाधेते। कश्चित, कश्चित, कश्धनचित, कौन सी संधि बनेगी, सतो सतुनाशु। तो यदि कश्चित यानी किसी, अन्य माने दूसरे, राष्ट्र माने देश का, अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष लिखा गया ना, राष्ट्राध्यक्ष, तो यहाँ उसको तोड़ दीजिए कि राष्ट्र का अध्यक्ष,
अस्माकं देशम आगच्छति, अस्माकं यानी हमारे देशम यानी देश में आगच्छति यानी आता है। यानी जब किसी दूसरे देश का अध्यक्ष, जब किसी दूसरे देश का अध्यक्ष अस्माकं देश आगच्छति यानी हमारे देश में आता है, तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगान अस्मद् राष्ट्रगानम च वादके वादेते। तदा यानी तब, तस्य यानी उसके, सम्मानाय यानी सम्मान के लिए, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है बच्चों, किस विभक्ति का? चतुर्थी का एक वचन है, और चतुर्थी में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है, ठीक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए कौन सा कारक होता है? संप्रदान। तो उसके सम्मान के लिए तस्य राष्ट्रगान, उस राष्ट्रगान अस्मद, ये जो है अस्मद अस्मद युस्मद, आप लोग पढ़े ना कक्षा आठ में, आपको मार मार के पढ़ाया जाता था, रटाया जाता था, तो हम युवाम युयम, तो हम युवाम उस्मान, तो या युवाभ्याम उस्मा भी, ये तो युस्मद का है, अहम आवाम ओयम मम आवाम, अहम आवाम ओयम मम आवाम उस्मान मया आवाभ्याम उस्मा भी, ये पढ़ते थे ना, तो ये उसी का रूप है। अस्मद का राष्ट्रगानम यानी राष्ट्रगान को च मतलब, और वादके वादेते यानी बजाया जाता है। तस्य सम्मान, उसकी सम्मान के लिए उसके राष्ट्रगान को हम सबके द्वारा बाजे के माध्यम से अर्थात बाजा के द्वारा क्या किया जाता है? बजाया जाता है। महतीनाम सभानाम समापने तस्य गान आवश्यकम, महतीनाम यानी बड़ी बड़ी सभानाम यानी सभाओं की, समापने यानी समाप्ति पर तस्य गान आवश्यकम, उस गाने को गाना क्या होता है? आवश्यक होता है। यानी बड़ी सभाओं की समाप्ति पर, जैसे जब कोई बड़ी सभा चल रही हो, 26 जनवरी 15 अगस्त हो, तो जब उसका समापन होता है तो इस गाने को गाना आवश्यक होता है। कौन गाना? राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय है, तो ये वाले गाने को गाना आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थना अंतरम प्रतिदिनम राष्ट्रगानम गीयते, विद्यालयेषु विद्यालयों में, किसमें? विद्यालयों में सप्तमी का बहुवचन है। प्रार्थना अनंतरम, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, प्रार्थनांतरम लिखा गया ना, तो आकाश वर्णे दीर्घा यानी प्रार्थना के पश्चात अर्थात प्रार्थना के बाद। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। जैसा कि हमने आपको बताया ना कि उपसर्ग जितने होते हैं बच्चों, सारे अव्ययी होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययी होते हैं, और ये जिसके साथ लगते हैं, जिस शब्द के साथ लग जाते हैं और नया बना देते हैं, उसमें चमत्कार पैदा कर देते हैं, तो ये वो शब्द ही अव्यय बन जाता है, पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है, तो ये अव्यय भाव समास है। प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन राष्ट्रगानम यानी राष्ट्रगान को गीयते मतलब गाया जाता है। यानी विद्यालयों में प्रार्थना के बाद, विद्यालयों में प्रार्थना के बाद या प्रार्थना के पश्चात प्रत्येक दिन यानी हर एक दिन राष्ट्रगान गाया जाता है। वैसे तो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, यहाँ कहाँ गा रहे हो, लेकिन जब आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती थी तो आप हर रोज़ विद्यालय में गाते थे ना इस गान को, तो वही है। देखिए आगे, अस्माकं राष्ट्रगानं विश्व कविना कविन्द्रेण रविन्द्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञा विश्व अस्मिन् विश्वे विस्तृतं वर्तते। अस्माकं राष्ट्रगाने भारतांग भूतानां अनेक प्रांतानां विंध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदी नाम उल्लेख्यो कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्र अखंडत्वं संस्कृति गौरवस्य विश्व कविनाः मृडितम्। देखिए, अस्माकं राष्ट्रगानम यानी हमारा राष्ट्रगान, विश्व कविना, विश्व कवि कौन? कवि, विश्व कवि कविन्द्रेण यानी कविराज, रविन्द्रेण यानी रविंद्र, यानी हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कविराज रविंद्र के द्वारा रचित जनगण मन इति संज्ञा मतलब नाम से, तृतीय विभक्ति है एक वचन, विश्वस्मिन यानी इस विश्व, विश्वे यानी विश्व में, विस्तृतम यानी प्रसिद्ध वर्तते यानी है, यानी हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि कविराज रविंद्र के द्वारा रचित जनगण मन इस नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यानी पूरे जगत में, पूरे विश्व में ये क्या है? प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने हमारे राष्ट्रगान में भारतांग यानी भारत के अंग अनेक प्रांतः नाम यानी अनेक प्रांतों का बिंध हिमालय पर्वतियों यानी बिंध और हिमाचल हिमालय पर्वत यानी बिंध विंध्याचल और हिमालय पर्वत गंगा यमुना प्रभृति यानी गंगा यमुना आदि नदी नाम यानी नदियों का उल्लेख्यम उत्धनलेख्यम
उत धन लेख्यम। आपको तो याद नहीं होगा कि ये कौन सी संधि है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, अभी आठ तक ये संधि आप में थी नहीं। ये आपकी बन जाती है बच्चों तोरली। इसका सूत्र होता है तोरली और संधि का नाम होता है लत्व संधि। क्या होता है? लत्व। त का ल हो जाता है, जैसे तद्धनलीन तल्लीन, उद्धनलेख उल्लेख। तो उल्लेख जो है कहाँ पहुँचे थे, आगे देखिए। उल्लेख कृत्वा, कृत्वा क्री जो है ये धातु है, त्वा जो है ये प्रत्यय है। तो करके देशस्य यानी देश की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। विशालत्वम यानी विशालता, और राष्ट्रस्य अखंडत्वम यानी राष्ट्र की अखंडता। संस्कृते यानी संस्कृति का, गौरवच च मतलब और, गौरवम यानी गौरव, विश्व कविनाम यानी विश्व कवि के द्वारा, वर्णितम यानी वर्णित किया गया है। यानी हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंग और अनेक प्रांतों का, बिंद हिमालय पर्वतों का, बार बार का कहने से अच्छा एक बार कहिए उसको मिलाते चलिए कि हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत जो है अनेक प्रांत, बिंद हिमालय पर्वत और गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता और देश की अखंडता तथा संस्कृत का गौरव विश्व कविराज ने वर्णित किया है। किसमें? राष्ट्रगान में उसका वर्णन किया है। राष्ट्रगान इदम, इदम राष्ट्रगानम, उसी को उलट दीजिए, इदम राष्ट्रगानम द्वापंचशतप्लात्मकम भवति, तस्य गाने द्वापंचशतप्लात्मका समयो अपेक्षते, न ततो अधिको न वा ततो न्यूना। इदम राष्ट्रगानम, इस राष्ट्रगान को पंचाशत माने हो जाता है पचास, द्वा मतलब दो यानी पचास दो बावन, और प्लात्मकम यानी सेकंड का भवत यानी होता है, यानी यह राष्ट्रगान कितने सेकंड का होता है? बावन सेकंड का। तस्य गाने यानी उसके गाने में पचास दो बावन, समयो यानी समय अपेक्षते यानी अपेक्षित है, यानी उसके गाने में भी बावन सेकंड क्या है? अपेक्षित है। ना ततो अधिको यानी ना तो उससे अधिक, और ना ततो वा न्यूना, न्यून माने कम, निधन ओन कौन संधि बन जाएगी? यड, यानी ना तो उससे अधिक और ना तो उससे कम समय में इसको गाया जाता है। बिल्कुल 52 सेकंड इसके लिए अपेक्षित है, और उतने ही समय में इसको गा करके पूरा किया जाता है। ना आप इससे ज़्यादा समय ले सकते हैं और ना ही इससे कम समय इसके लिए लिया जाता है, ठीक है। तस्य अरोह अवरोह अपि निश्चितो, यानी उसका, तस्य माने उसका, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, यानी उसका अरोह अवरोह यानी उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव भी निश्चितो यानी निश्चित होता है, उसका उतार और चढ़ाव भी क्या होता है? निश्चित होता है। तत्र विपर्याह कर तुम ना सकते, इसके विपरीत नहीं कर सकते हैं, यानी उसका जो उतार चढ़ाव है ये निश्चित है, उसके गाने के जो समय है 52 सेकंड वो अपेक्षित है, तो इसके विपरीत हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं, ऐसा गाते हैं, तो ये क्या है? वो गलत है। राष्ट्रगानम सदा उत्तिथे जन सावधान मुद्रयाह गेयम। राष्ट्रगानम यानी राष्ट्रगान को सदा यानी हमेशा उत्तित है, उठ करके, कैसे उठ करके यानी खड़े हो करके, जना है मतलब लोगों के द्वारा, सावधान मुद्रा यानी सावधान की मुद्रा में गेयम यानी गाया जाना चाहिए, यानी राष्ट्रगान हमेशा खड़े हो करके तथा सावधान की मुद्रा में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालनम निषिध्यम। राष्ट्रगान अवसरे अर्थात राष्ट्रगान के अवसर पर अंग संचालनम यानी अंगों का संचालन अर्थात अंगों का हिलाना डुलाना, जैसे आप फैलाते डुलाते रहते हो ना अक्सर, राष्ट्रगान गाते हो, कहीं खुजली हो रही तो खुजलाना शुरू कर देते हो, या कुछ और दिक्कत है तो उसे बैठ के करने लगते हो, तो अंगों का जो संचालन होता है निषिध्यम यानी पूरी तरह से क्या है? निषिद्ध है। राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों का संचालन पूरी तरह से निषिद्ध है। चलते हो अपि कश्चित कर्ण गुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दूराद अप्याह पतति चेतता तत्रैव सावधान मुद्रया तेन अविचलम अस्थातव्यम। चलते हो अपि यानी चलते हुए भी, कश्चित कर्णे यानी किसी के कर्ण यानी कान में, और गीयमानस्य यानी गाए जाने का, राष्ट्रगानस्य यानी राष्ट्रगान का ध्वनि यानी आवाज, दूराद यानी दूर से, अपतति यानी आ पड़े, तत्रैव तत्र धनियो वृद्धि संधि है यानी वहीं, और जो है सावधान मुद्रा यानी सावधान की मुद्रा में, तेन अविचलम बिना हिले डुले यानी उसके द्वारा बिना हिले डुले, अस्थातव्य यानी अस्थाई रूप से खड़े हो जाना चाहिए।
यानी चलते हुए भी अगर किसी के कान में इस राष्ट्रगान की ध्वनि दूर से सुनाई पड़ती है तो उस व्यक्ति को वहीं सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति श्रद्धै वेद्यम गेयम्। राष्ट्रगानम यानी राष्ट्रगान, श्रद्धास्पदम यानी श्रद्धा का विषय है, किसका विषय, श्रद्धा का, और श्रद्धै इदम गेयम्, इदम यानी यह अर्थात इसको, श्रद्धा यानी श्रद्धा से गेयम मतलब गाया जाना चाहिए, यानी राष्ट्रगान श्रद्धा का विषय है और इसे श्रद्धा पूर्वक ही गाया जाना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में देंगे। अब इतना आप जो है पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।